भले ही योगी सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का लाख दावा करती रहे, लेकिन यूपी के सरकारी विभागों में तैनात अधिकारी भ्रष्टाचार को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा ही कुछ यूपी के गाजीपुर के शिक्षा विभाग में सामने आया है, जहां खंड शिक्षा अधिकारी के चहेते शिक्षक अवधेश यादव ने टीचरों को तनख्वाह देने के लिए उनसे 7,000 रुपए की घूस मांगी। इस घटना को पीड़ित शिक्षक के पति ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और घूस मांगने वाले शिक्षक अवधेश यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बंद था वो, मतलब रजवा आपकी नहीं खड़ी थी, तो वहीं से हम समझ जाते हैं। सात आप बता ही रहे थे। तो हम जैसे हमारे कुछ मित्र लोग हैं, एक दो लोगों को तो आप जानते भी होंगे, तो उन लोगों से पूछे, हालांकि साहब के करीबी हैं वो लोग, कहे लेकिन कि कहे यही कि भैया शुक्ला जी आप समझ लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। मान लीजिए आप कहेंगे तो हम बतिया लेंगे, लेकिन उसका कोई मतलब है नहीं। तो वही तो हमको भी लगा ना, असल में थोड़ा सा जिद्दी टाइप। जी जी, ऊपर से आप बता दिए तो हमारी हवा टाइट हो गई कि 4-6 महीने नहीं, ये भी नहीं, इनका दबाव भी नहीं है जी, कहे कि बस कह दीजिए फिर हम उससे ज़्यादा ले लेंगे। आपको नहीं कहे व्यक्तिगत, हाँ, किसी को भी तो, जो नहीं करता है तो हाँ, वो तो पता ही है, वो तो अधिकारी हैं भाई, उनके हाथ में सब कुछ है। तो इस फेवर भैया ये चाहिए था थोड़ा सा, वाइफ तो है, ये पकड़ लीजिए, गिन लीजिए, चल पाई ना, हम मुलावत ना है भैया, मुलैली ना, आपसे एगो फेवर मांगे हैं हम कि 500 दे चुके हैं, तीन ये तो 3.5 हो गया अभी, असल में हमारा सब बंद है, आप जान रहे हैं कोरोना में लॉकडाउन है, आज भी नहीं खुलना था, कल से वो भी बंद हो गया। तो अभी हमारी तो कोई इनकम सोर्स है नहीं, अपने पास से दे रहे हैं, वो है नहीं वाइफ, तो वो हमको उम्मीद है कि 5-6 में अब आज जाएंगे, रिजर्वेशन कराएंगे इलाहाबाद। हाँ, इलाहाबाद बता रहे हैं। हाँ, तो गाड़ियों वहीं हैं, हमारी कार भी, तो 5-6 में हम उनसे उनको लेके आएंगे, तो हम उसी दिन दे देंगे। मान लीजिए वेतन आए ना आए, तो आगे पीछे आता है, हमारे पास है नहीं, मेन ये समस्या। चलिए ठीक है, उसी तो बस यही एक फेवर चाहिए था जी। इस पे कोई दिक्कत कल ही उससे बात हुई थी। अच्छा जी, और इनका तो सर SDI साहब का, राजेश सर का ट्रांसफ़र हो गया शायद, पूरा नहीं होने वाला। अच्छा अच्छा, नहीं कोई कह रहा था लिस्ट में नाम आ गया ना, वो लिस्ट दूसरी थी, विकल्प हो सकता है कि हो जाए, अभी प्रयास में है रुकवाने के तो देना पड़ेगा, मतलब कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, इसको देना पड़ेगा, वो उसमें घूस घास भी देना पड़ सकता है उनको, इसीलिए सब कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कब आपकी वापसी है? पैसा रखे थे, अभी दूध वाला आया, पापा उठा के दे दिए, तो हम ATM से निकाल लें, कितनी देर में आएंगे आप? 4-5 बजे तो तीन देना है ना आपको? हाँ, तो आप 3.5 दिए थे, आपको 3.5 दिए हैं जी, विकास भवन में भी 500 दिए थे ना। हाँ, देखिए 3 आप दे दीजिएगा, मुझे 7 ले रहे हैं सबसे, हाँ, तो 3 आप दे दीजिएगा, हम फोन कर देंगे, वो लड़कवा आ जाएगा। हाँ, तो एक तो, हाँ, एक घंटे में हम आपको कॉल कर लेंगे। हाँ चलिए ठीक है, तो हम बोल देंगे गेटवा के नीचे, उसको भेज देंगे। ठीक है। दरअसल शिक्षकों का आरोप है कि अवधेश यादव लगातार टीचरों को फोन और व्हाट्सएप के जरिए घूस की मांग करते हैं और रुपए नहीं देने पर वेतन न देने की धमकी देते हैं। साथ ही उनका आरोप है कि अवधेश यादव उन्हें घूस न देने पर बड़ी कार्रवाई की धमकी भी देते हैं, जिसके चलते उन्होंने अवधेश यादव की सच्चाई सामने लाने के लिए उनका वीडियो बनाया। देखिए, ये मेरी श्रीमती जी जूनियर हाई स्कूल में टीचर हैं, मऊ से वो ट्रांसफ़र होकर गाजीपुर आई और 15 फरवरी को देवकली ब्लॉक में उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया वेतन के लिए। उसके बाद जब संपर्क किया गया तो देवकली से पे तैनात शिक्षक हैं एक अवधेश यादव, जो कि एजेंट हैं वहाँ के ABSA राजेश यादव जी के, उन्होंने 7,000 रुपये की मांग की और ये कहा गया कि सारे लोग पैसा दे रहे हैं और इसके बिना किसी का वेतन जारी होगा नहीं, चाहे ट्रांसफ़र केस हो चाहे नई नियुक्ति हो, सबको 7,000 देना ही देना है। कई दिनों तक ये सब मामला चलता रहा और अंत में बहुत ज़्यादा जब उनका प्रेशर आना शुरू हो गया तो
तो मैंने जाके उनको 3,500 रुपये दिए और उनसे बाकी के पैसे देने के लिए मैंने कुछ समय की मांग की, और साथ ही मैंने इसका वीडियो भी बना लिया कि किस किस तरह से ये भ्रष्टाचार हो रहा है। इस बारे में मुझे बस यही कहना है कि ये भ्रष्टाचार के मामले में सर्वगुण संपन्न है। अध्यापकों का शोषण करना, वेतन रोकना, वेतन लगाने के नाम पर पैसा लेना, अन्य अन्य प्रकार से उसकी इनकी लगातार चलती है, और इनके खिलाफ़ जो भी आवाज़ उठाता है उन्हें निलंबित करना, जेल तक भिजवाना है, भिजवाते हैं। इसके पूर्व में जिस भी ब्लॉक में रहे हैं वहाँ पर इनका यही धंधा चलता रहता है। वहीं इस मामले में जब जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह से पूछा गया तो डीएम ने कहा कि उन्होंने अभी तक इस तरह का कोई वीडियो नहीं देखा है, लेकिन अगर ऐसा कोई आरोप शिक्षक लगा रहे हैं तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखता हूँ वीडियो, मुझे अभी वीडियो मिला नहीं है, आप लोग भेजिए, देखते हैं, अगर दोषी मिलेंगे तो उनके खिलाफ FIR कराएंगे। आपको बता दें कि खंड शिक्षा अधिकारी राजेश यादव पर पहले भी पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है, और अब पीड़ित शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी और उनके चहेते शिक्षक अवधेश यादव पर जो आरोप लगाए हैं उसके बाद से शिक्षा विभाग में भी हड़कंप मच गया है। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।